दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैस्टर एजुकेशन पर। दोस्तों आज की क्लास है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 जो कि MCQ GK क्वेश्चन लाए हैं। जो लोग SI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम 6 नंबर को है वो यहां से देखिए छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से यानी कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, करेंट अफेयर की जो क्लास है इसमें 15 से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ऐसे ही परीक्षाओं में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास स्टार्ट हो चुकी है डेली। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराए जाएंगे निःशुल्क के साथ, ठीक है। मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी बिल्कुल 3 महीनों के लिए कोर्स रहेगा मैथ्स का, और 6 महीने के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही बेल आइकन की जो घंटी रहती है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को 1 लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो लोग व्यापम और PSC की तैयारी करना चाहते हैं खास तौर पर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपके सामने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कुल कितने रुपए की सहायता का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री सहायता जो योजना है कन्या विवाह योजना, उसमें आप सभी को 25,000 रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री कन्या योजना में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा क्या है कि परीक्षाओं में पूछ सकता है, ठीक है। ये आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है जो हॉस्टल वाटरने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही SI भर्ती, ठीक है, यानी कि सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की, जिसका एग्जाम आपका 6 नवंबर को है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेगा उसी को मैं अब नोटिफिकेशन भेजूंगा, ठीक है। चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का पूछा गया, ध्यान से समझिएगा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर आपको लगाना है, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाए तो 991, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अगर कॉपी रखे हैं तो साथ में नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है, छत्तीसगढ़ का पूछा है तो आप लगाइएगा 991, ठीक है। अगर भारत का पूछा जाए, ठीक है, अगर भारत का पूछा जाए तो आप कमेंट में लगाइएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में लगाइएगा 943। किसके लिए पूछा जाए? भारत के लिए, ठीक है। अगर भारत के लिए पूछा जाए तब 2011 के जनगणना के अनुसार 943 लगाइएगा, अगर छत्तीसगढ़ का पूछा जाए तो 991। तो चलिए इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में एक बता दिया हूँ मैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, मैं डिटेल भी बताते जाऊँगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम पढ़ाना है, ठीक है। आप वीडियो को सब्सक्राइब करो या ना करो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको तैयारी करना है तो अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको नोट करते चलेगा, ठीक है, कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की जो साक्षरता दर है वो आपका 17.3 यानी कि 70.3% छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो साक्षरता प्रतिशत है 70.3, ठीक है। उसके बाद भारत का अगर पूछा जाए तो क्या लगाइएगा? 74.04%, कितना? 74.04%, यानी कि 74, ठीक है, ये भारत के लिए है। अगर छत्तीसगढ़ के लिए पूछा जा रहा है तब 70 लगाइएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, अरे भारत का तो पढ़ के चले जाते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ का पढ़ना भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का पढ़ना भूल जाते हैं तो भारत का लगा के आ जाएंगे। पूछा क्या आ रहा है? छत्तीसगढ़ का पूछा जा रहा है, लगा के आ रहा है भारत का,
इसीलिए मैं दोनों टॉपिक लेकर आया हूँ कवर के साथ, ठीक है। वीडियो को कंटेंट अच्छा लगता है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चलिए ठीक है। मैं ऐसे डिटेल क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि 2020-21 में भारत की जो प्रतिशत वृद्धि दर थी वो आपको भारत में 9.2 था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी बताऊंगा, धैर्य रखिए। 2020-21 में भारत का जो प्रतिशत वृद्धि दर थी 9.2% थी भारत के लिए, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए वृद्धि दर 1.77 यानी कि 1.77% की वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1.77 की वृद्धि हुई है 2020-21 के दौरान, जबकि भारत का जो प्रतिशत है आपका वृद्धि 9.2%, ठीक है। चलिए भारत का मैं बता दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को छत्तीसगढ़ का प्रतिशत वृद्धि दर पूछा जाए तो 1.77, अगर भारत का प्रतिशत वृद्धि दर पूछा जाए तो 9.22, लेकिन माइनस में ना, बिल्कुल याद रखिएगा माइनस में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, ये हमेशा याद रखना है, स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का जो प्रतिशत वृद्धि दर है वो आपका 1.7 है, यानी कि 1.7 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर स्थिर भाव पर, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो में एक बार में आपको याद नहीं होता तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। कभी भी परीक्षा दिलाने जाओ, ठीक है, अगर कभी भी आप परीक्षा दिलाने जाओ तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में जो 2020-21 की कृषि से संबंधित क्षेत्र का जो योगदान था 17.64 यानी कि 17.64%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि किस वर्ष कृषि के प्रतिशत वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है यानी कि माइनस रहा है, तो आपका 17 से 18, ठीक है। जो 17-18 के दौरान वर्ष था उस पर कृषि का प्रतिशत वृद्धि का जो दर ऋणात्मक रहा है, ठीक है। उसके बाद 2020-21 में जो सेवा का क्षेत्र था, ठीक है, जो सेवा का क्षेत्र था ये वाला 0.7% वृद्धि दर थी, ठीक है। कितनी थी? 0.7% आपके आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि 2021-22 में, अब 2021 वाला ख़त्म, अब 21-22 के लिए जो सामान्य ग्रेड धान का जो समर्थन मूल्य था वो 1940 रुपये था, धान का ग्रेड का समर्थन मूल्य 1940, जो कि वर्तमान में कितना हो गया है 2040, वर्तमान में 2040, इसको नोट कर लीजिएगा, हाल ही में 22-23 में, ठीक है। ये पूछा गया 21-22 में, ठीक है, पूछा गया 21-22 में ग्रेड धान का सामान्य मूल्य 1940 है, जबकि वर्तमान में, इसको नोट कीजिएगा, जो लोग कॉपी रखे हैं नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नवंबर 2020 तक छत्तीसगढ़ में कुल उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी थी, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट कीजिएगा, 12,451, जो कि उचित मूल्य के दुकानों की पूछा गया था ना। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है, तो हमेशा आप याद रखिए 1333, आसान है याद रखने का 2021 के अनुसार, ठीक है। जो प्राथमिक कृषि साख समिति की जो संख्या है 1333, ऐसे कर दोगे ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद है अक्टूबर 2020 तक छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत स्थापित जो क्षमता था वो आपका कितना था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिएगा कि वर्तमान में कुल कितने लाख परिवार को राशन कार्ड जारी किया गया है, हाल ही एग्जाम में पूछा गया था ये व्यापम के क्वेश्चन में, वर्तमान में कुल कितने लाख परिवार हैं, तो आपको बताएंगे 67.11 लाख परिवार राशन कार्ड जारी किया गया है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत
जल मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है तो आप बताएंगे 94.66%। ठीक है, 94.66%। ठीक है, इसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर स्थिर भाव पूछा गया, स्थिर मूल्य नहीं पूछा, स्थिर भाव पूछा गया। 21 के प्रति व्यक्ति की आय कितना है, तो परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा जाता है, पीएससी में पूछा जाता है, व्यापम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपका 6 नवंबर को एसआई भर्ती का एग्जाम है, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही प्रश्न पूछेगा, पूछ सकता है बोल रहा हूँ, नोट कीजिए। छत्तीसगढ़ में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आप सभी को मालूम है ये 2019 में शुरुआत हो चुकी थी, तो आप बताइए 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सर्वाधिक राशन कार्ड वाला जिला को मालूम है रायपुर। ठीक है, उसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष स्थान प्रारंभ किया गया था 2007 में। इसके बाद है प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषक के उपलब्ध ऋण कराया जा रहा है सहकारी बैंक द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में जो शक्कर कारखाना है उसकी जो 6 मेगावाट जनरेशन के प्लांट स्थापना हुई थी महामाया अंबिकापुर। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, 6 मेगावाट की जनरेशन पावर प्लांट स्थापित की जाएगी, किया गया नहीं है, की जाएगी बोला गया है 2021 के अनुसार। इसमें छत्तीसगढ़ के जैविक जिले नहीं है, बस्तर आप सभी को पता है कि जैविक जिले नहीं है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के आदर्श मंदिर नहीं है, तो दंतेवाड़ा। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो आप सभी को मालूम होगा, ये देखिए क्रम अनुसार पूछा जाता है ये वाले एग्जाम में, हमेशा व्यापक क्वेश्चन में एक ना पर देखने को मिल जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र होता है, फसल का क्षेत्र सबसे अधिक होता है, वो आपका सब्जी होगा। ठीक है, सब्जी होगा। ठीक है, सब्जी के बाद क्या आ जाएगा आपका, फल, फल के बाद पुष्प, उसके बाद औसत, ये आ जाएगा यानी कि चौथा, उसके बाद आपका दूसरा पहला, उसके बाद हो जाएगा दूसरा, उसके बाद तीसरा, ये आपका क्रम अनुसार रहेगा। वर्तमान में प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 38 है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 38 है वर्तमान में। इसके बाद है कृषि के महत्व को देखते हुए कृषि वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि का बजट प्रस्तुत किया गया 2012-13 में। ठीक है, कब किया गया, 12 और 13 में, इसको नोट कीजिएगा, जो कि कृषि को देखते हुए किया गया। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मेएमसी के, देखिए यहाँ पर दिए गए 26 के राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ कब किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 5 मई 2005 को। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, इसके बाद देखते हैं ये वाला, छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, हर एग्जाम में है नहीं, पीएससी हो चाहे व्यापम हो, हर एग्जाम में एक ना एक बार इसको क्वेश्चन को पूछता है, कौन से, जनगणना से, तो क्वेश्चन में करा चुका था पिछले वीडियो में, लेकिन देखिए यहाँ पर वन आवरण की दृष्टि पूछा गया है, मैं वन वाला क्लास में करा चुका हूँ, अभ्यारण वाला क्लास, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए और उसको ढूंढ कर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में रिजर्व वन क्षेत्र का प्रतिशत आपका 43.13 है, इसको नोट कर लीजिएगा, 43.13। ठीक है, उसके बाद भारत की जो वन स्थिति है रिपोर्ट में 19 के वन क्षेत्रफल वाले राज्य के छत्तीसगढ़ का भारत का किस क्रम में है, तो आप सभी को पता है तीसरा क्रम में है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तीसरा ही है। उसके बाद 2018-19 में भारत उत्पादित खनिज का मूल्य पूछा गया कितना है, तो आपका हो जाएगा 15.11, इसको नोट कीजिएगा, 15.11। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद 19-20 में छत्तीसगढ़ कुल खनिज का राज गौण कितना है, ये खनिज प्रतिशत पूछा गया, ये 4 है। ठीक है, जबकि 20 और 21 में आपका ये 6 हो चुका है। ठीक है, 20 और 21 में आपका 6 हो चुका है गौण खनिज का। ठीक है, यहाँ तक याद कर लिए। खनिज राजस्व आयोग का 2019-20 में पूछा गया था, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये पीएससी में पूछा गया था और व्यापम के क्वेश्चन में आया था, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इस राज्य की नई औद्योगिक नीति यानी कि निम्नलिखित वर्ष की तैयार की गई है, तो देखिए 2019 से लेकर 24 तक जो राज्य की नई औद्योगिक नीति लागू की गई, ये शायद यहाँ पर भी सहायक संपरीक्षक के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस राज्य की नई औद्योगिक नीति इस वर्ष के लिए तैयार की गई, तो आपका 2019 से 24 तक आएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य गठन के पश्चात 2020 तक स्थापित क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप सभी को मालूम है ये वाला 137 ही आएगा। इसके बाद देखते हैं कि 2020-21 में गृह उद्योग के लिए पूछा गया है, तो देखिए उद्योग के लिए 5.2 ऋणात्मक है, ऋणात्मक प्रतिशत वृद्धि हुई थी, ऋणात्मक
नोट कीजिएगा, है ना। 2020-21 में जो उद्योग क्षेत्र में स्थिर भाव का प्रतिशत वृद्धि दर थी -0.52 थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसको ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण का प्रतिशत कितना है, शहरीकरण आप सभी को मालूम है 23.24, इसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं तो याद कर लीजिएगा 23.24, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कार्यशील, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देखते हैं, ये भी नहीं है इंपॉर्टेंट, ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी उतना नहीं है, है ना। एक लास्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। 50 क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव का जो है 2011-12 और 2020-21 में जो क्षेत्र था वो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना आएगा आपका 17.00 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ है आपको नोट कीजिएगा, ये वाला नहीं, मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, 48 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना आएगा 48 का पूछ रहा हूँ मैं, तो उत्तर आपका कृषि 4.61% जबकि उद्योग के लिए 5.28% माइनस है और सेवाओं के लिए -0.75% है, ठीक है। जो क्रम से पूछा गया है एक बार देखिएगा इसको, इसको ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2011-12 के 2020-21 में पूछा गया था ये क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर उद्योग सेवा क्षेत्र के क्रमशः रही है, तो क्रमशः मैं बता देता हूँ, कृषि के 4.61%, उद्योग का -5.28%, जबकि सेवा के लिए -0.75% है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला वन लाइनर था ना, 3 क्वेश्चन वन लाइनर था। छत्तीसगढ़ एवं भारत में वर्ष 2020-21 में एक त्वरित के अनुमान में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा प्रति व्यय कितनी थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अग्रिम अनुपात बाजार मूल्य का स्थिर भाव कितना रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाजार का जो मूल्य भाव है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा।